आओ जीवाला मारे घेरे, आओ जीवाला मारे घेरे, आओ जीवाला मारे घेरे, आओ जीवाला मारे घेरे। एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश माँ, मुने मुकी नेका चाल्या, आवो जीवाला मारे घेरे। मुने हुती नींद लड़ी, तमे सुती मुकी का राते, मुने हुती नींद लड़ी, तमे सुती मुकी का राते, जागी जोता पियुजी न पाचे, पछे तो था से प्रभाते, आव जीवाला मारे घेरे, आव जीवाला मारे घेरे। कल कली ने कहूँ छू तमने, आव जो आने कीने, कल कली ने कहूँ छू तमने, आव जो आने की ने, मारा मन ना मनोरथ पुरजो, मारा मन ना मनोरथ पुरजो, श्रींद्रावती लागे चरने, आव जीवाला मारे घेरे, आव जीवाला मारे घेरे, आव जीवाला, आव जीवाला, आव जीवाला मारे घेरे, मारे घेरे, मारे घेरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। या तो खड़ी रहे रूह खिलवते, या तो देवी तवाफ हौज जोई या अर्श में, तू इन बिद हो रहे साफ, तू इन बिद हो रहे साफ, पाक पानी से ना हुईये, हमारी आत्मा की प्राण वल्लभ।
प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने। इस श्रृंगार ग्रंथ में परम धाम की मार्फत जिसको कहते हैं विज्ञान, परम सत्य जो अक्षरातीत कीर्ति में प्रवाहित होता है, उसके रस को उड़ेला है। सारा संसार ये जानता है कि यदि हमें इस भवसागर से मुक्त होना है तो प्रकृति के सुखों की जो वासना है उसका परित्याग करना होगा। बुद्ध ने घोर तपस्या के पश्चात यही देखा कि सभी दुखों का कारण है तृष्णा। तृष्णा का नाश होगा ज्ञान से, ज्ञान की उपलब्धि होगी सम्यक समाधि से। इसलिए बुद्ध ने ये कहा कि परमात्मा के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा है या नहीं इसकी तरफ मत जाओ, परमात्मा कैसा है इस पर मत जाओ। यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो, शाश्वत आनंद में विहार करना चाहते हो तो सम्यक समाधि का आश्रय लो। और उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म और आठवां है सम्यक समाधि, यथार्थ समाधि जिसमें स्वयं के अस्तित्व का समापन हो जाए। किंतु बुद्ध के कथनों का आशय सबने नहीं समझा। कालांतर में क्या हुआ, बौद्ध मठों में बहुत अधिक धन इकट्ठा हो गया, भिक्षु को भिक्षुणी साथ साथ रहते थे, परमात्मा का बोध था नहीं, परमात्मा के अस्तित्व पर उनको विश्वास ही नहीं था। और ऐसी स्थिति भी आ गई कि बौद्ध धर्म के मठ भोग विलास के केंद्र बन गए। क्योंकि जो परमात्मा की आराधना से, ध्यान समाधि से जो आनंद मिलता है वो शुष्क समाधि से नहीं मिलेगा। मन को आप किसी बिंदु पर केंद्रित करेंगे तो मन जब रुका रहेगा तो कुछ शांति मिलेगी, किंतु धारणा किसकी की गई है ये मुख्य लक्ष्य रहता है। हम जिसका उठते बैठते सोते जागते चिंतन करते हैं उसकी भावनाएं हमारे से जुड़ी होती है। यदि आप स्वप्न में भी सिंह को देखते हैं तो भय पैदा होता है, स्वप्न में आप कोई मनोहर दृश्य देखते हैं तो आपको आनंद आता है। प्रत्यक्ष में जागृति का सुख कुछ और है, किंतु समाधि ही यदि आपने शून्य समाधि को लेकर किया कि सब कुछ शून्य ही है, शून्य है, न आत्मा है न परमात्मा है, तो यह आशा करना कि ब्रह्मानंद जैसा आनंद समाधि में मिल जाए ये संभव नहीं है। समाधि का लक्ष्य क्या है इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। संसार के विषय तो हमको खींचेंगे, पांचों इंद्रियां बाहर की तरफ भाग रही हैं। कोई बिरला होता है जो अंतर्मुखी होता है, इसलिए कठोपनिषद के ऋषिकार ने कहा है कश्चि धीरा प्रत्यक आत्मानम आवृत चक्षु अमृतम इच्छन। अमृत तत्व की इच्छा करता हुआ कोई धैर्यशाली होता है जो अंतर्मुखी होता है, अपनी आत्मा में देखने का प्रयास करता है, नहीं तो पांचों इंद्रियां पांचों विषयों की तरफ भाग रही हैं। एक उपनिषदकार ने एक अलंकारिक रूपक के माध्यम से दर्शाया है, रूपक अलंकार के माध्यम से। एक रथ है जिसमें इंद्रिय रूपी पांच घोड़े हैं, सारथी है, सारथी क्या, बुद्धिम तु सारथिम विद्य, बुद्धि सारथी है, मन क्या है लगाम, और रथी बैठा हुआ है। रथी तो केवल बैठा ही रहेगा, जिधर घोड़े जाएंगे उधर रथ जाएगा, जिधर रथ जाएगा यदि रथ गड्ढे में गिरता है तो बेचारे जो रथी को भी बैठना पड़ेगा, रथी को भी गड्ढे में गिरना पड़ेगा। हाँ, रथी को यह अधिकार है कि वो सारथी को निर्देश दे कि सारथी तुम लगाम को नियंत्रित करो, यदि तुमने लगाम पर नियंत्रण नहीं किया तो घोड़े मनमानी दिशा में जाएंगे और गलत जगह पर रथ को गिरा देंगे। बस यही बात होता है, संसार इधर से चलता है। संसार का ध्यान किस पर है, घोड़े पर, कि घोड़े उस पर न जाए, किंतु घोड़ों की लगाम रूपी जो मन है वो नियंत्रित हो रहा है बुद्धि से। बुद्धि नियंत्रित हो रही है किससे, अहंग से। बुद्धि का नियंत्रण दो प्रकार से होता है, एक तो अहंकार से और दूसरा है
आहार से, क्योंकि बुद्धि तत्व की रचना महातत्व से हुई है। यदि तामस का प्रभाव होता है तो बुद्धि में तमोगुण के संस्कार जागृत हो जाते हैं चित्त में, और विवश हो जाता है जीव गलत कार्य करने की दिशा में। प्रश्न यह है कि इस चौपाई में कहा गया है, या तो खड़ी रहे रूह खिलोते, या तो देवे तवाफ, मेरी आत्मा या तो तुम मूल मिलावे में खड़ी रह, या परम धाम के 25 पक्षों में परिक्रमा कर। ऐसा क्यों कहा गया है? संसार में कोई भी नहीं चाहता कि मेरे से पाप हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन बेदाग हो जाए, मेरे चरित्र पर कभी छींटे न लगे, लेकिन लगता है। बड़े बड़े विद्वानों से भी लगता है, महात्माओं से भी भूलें हो जाती हैं। ऐसा क्यों? भर्तृहरि ने वैराग्य सत्यम में लिखा है, विश्वामित्र पराशर प्रवृत्ति वात अम्ब पर्ण स्ना ते अपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वा इयम मोहं गता सालियनम सघृतम पयो दद उक्तम भुजन्ति मानवा तेषाम इंद्रियो निग्रहो यत भवेत तरित विंध्या सागरे। ऐसे तो कहने में बात छोटी लगती है, लेकिन है गहरे रहस्य की। विश्वामित्र और पराशर क्या भोजन करते थे? वात अम्ब पर्ण स्ना जल पत्ते और वायु का सेवन करते थे। फिर भी देखिए, एक विश्वामित्र मेनका की मुस्कान पर अपनी तपस्या तोड़ देते हैं, और पराशर इसे मत्सोदरी जो शांतनु से जिनका विवाह होता है उस पर अपना विवेक खो बैठते हैं। प्रश्न यह है, इतने महान ऋषियों की तरह तो आजकल कोई तप नहीं कर सकता। कोई ऐसा नहीं है जो पत्ते खाकर जल पीकर वायु पीकर के रहे। कारण क्या है? इतने महान ऋषियों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी तपस्या ऐसी खंडित होगी। मैंने कहा, बुद्धि जिधर ले जाएगी उधर मन जाएगा। बुद्धि के अधीन है मन, और बुद्धि अधीन है अहंकार के। हमारा अहंग यदि परात्म के भाव में है तो बुद्धि को निर्देशित हमारा अहंग करता रहेगा। जैसे हमें मांस खाने की आदत नहीं है तो हमारे सामने कोई मांस खाता रहेगा तो उल्टी हो जाएगी, घृणा से उसकी तरफ देखने की इच्छा नहीं करेगी। और एक मांसाहारी मांस की सुगंधी देख करके पागल हो जाएगा, उसको लगेगा कि मुझे मांस खाना है, क्योंकि उसको उसके चित्त में संस्कार बस चुका है कि मांस खाने से आनंद मिलता है। शराबी को शराब में आनंद दिखता है, जो शराब नहीं पीता है उसको दूर से शराब से घृणा होने लगती है कि बदबू क्यों आ रही है। उसी तरह से चित्त में जो संस्कार हैं वो संस्कार प्रबल होते हैं, चाहे कोई विद्वान हो, योगी महात्मा हो, सामान्य गृहस्थी हो। मैंने वनों के एकांत में भी देखा है कि लोग घर द्वार छोड़कर वनों में भी तो रहते हैं, लेकिन खान पान में उनकी जीवा इतनी चंचल रहती है। मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि ये बेचारे घर द्वार छोड़कर आए हैं, वन में रह रहे हैं, यहाँ कोई व्यक्ति आ नहीं पाता, लेकिन तृष्णा तो यहाँ भी इनका दामन नहीं छोड़ रही है। मनुष्य 70-80 साल का जब हो जाता है तो इंद्रिया तो शिथिल होती है, लेकिन जो वाक इंद्रिय है, जीवा जिसको कर्मेंद्रिय भी कहते हैं, ज्ञान इंद्रिय भी कहते हैं, जीवा को अपने रस पर नियंत्रण नहीं होता, वो चटोरी प्रवृत्ति की बन जाती है। यदि चटोरी प्रवृत्ति की नहीं भी हुई तो वाणी पर नियंत्रण रहने की संभावना नहीं होती है, यदि वो व्यक्ति आध्यात्मिकता से भरपूर ना हो तो, या उच्च संस्कारों से न भरा हो तो। क्योंकि मन जो इंद्रियों का राजा है, कहीं से ना कहीं से प्रकृति से सुख खोजेगा। त्वचा का स्पर्श सुख नहीं मिल रहा है, कान से मधुर ध्वनि का सुख नहीं मिल रहा है, नासिका से सुगंध नहीं मिल रही है, तो वो भागता फिरेगा कि कहीं से तो आनंद मिले। और यही कारण है कि आप देखिए, आप टहलने के लिए जाइए शाम को, जितने 80 साल 75 साल के लोग बैठे रहेंगे एकांत में बैठे बैठे,
बातें करेंगे, संसार की बातें, उनको इसमें रस आ रहा है, उनके अंदर अध्यात्म का कोई कोना नहीं है। अब प्रश्न यह है कि यदि हम मूल मिलावे की शोभा को दिल में बसाए रहें, जैसे मैंने अभी कहा, हमारा व्यक्तित्व कैसा होता है? संकल्पमयो पुरुषः। हमारा संकल्प जैसा होगा, व्यक्तित्व भी हमारा वैसा ही बनेगा। मैंने अभी आपको कहा कि यदि हमारे सामने कोई मांसाहारी मांस खा रहा है और हमने जीवन में कभी मांस नहीं खाया तो हमें घृणा होने लगेगी। बस ये बात है। आप राज्य के प्रेम में, राज्य के भाव में इतने डूब जाइए कि आपको ये संसार झूठा लगने लगे, आपके संकल्प में भोग की कामना ही ना पैदा हो। संसार क्या करता है? हठ करता है, दमन करता है, समन नहीं करता। आप दमन किए रहेंगे इंद्रियों का तो परिणाम क्या होगा? भोग की वासना ज्वालामुखी की तरह कभी भी फूट सकती है। यदि आपने समन कर लिया, समन का तात्पर्य क्या है? आपके अंदर विचार ही ना आए। जैसे मैंने कहा, आप किसी शराबी को शराब पीते हुए जब देखते हैं तो आपके उच्च संस्कार प्रबल है तो आपको पहले घृणा हो जाती है, उसके पास जाने की भी इच्छा नहीं करते। यदि आपके पास कोई व्यक्ति बैठ करके शराब पी रहा है तो उठ करके वहां से चल देते हैं। किंतु यदि थोड़ी सी भी आसक्ति आपने दिखाई है कि ये व्यक्ति मेरा मित्र है, इसका भाव रख लेना है, तो क्या होगा? वो कहेगा कि एक ढक्कन पी लो, एक चम्मच पी लो। आपने उसका भाव रखने के लिए एक चम्मच पी लिया, अगले दिन वो कहेगा कि आज दो चम्मच पी लेते हैं। अब आपने जिस शराब में केवल बदबू ही बदबू होती है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, शरीर में किसी तरह का पोषण वो नहीं देती, उस शराब पर आसक्त हो जाते हैं। फिर आप गिलास पीने लगते हैं, उससे भी तृप्ति नहीं होती, पूरी बोतल उड़ेलना शुरू कर देती है। यह है भोग की कहानी। मनुष्य जब आत्मा का आनंद नहीं मिलता, परमात्म का आनंद नहीं मिलता, तो विषयों की तरफ भागता है और विषयों के सुख भोगते भोगते उसके संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि बेचारा वह छोड़ नहीं पाता। पशु पक्षियों की कौन कहे, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े विद्वान जब इस कीचड़ में फंस जाते हैं तो उनका भी निकलना कठिन हो जाता है। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, उसमें सूत्र में कहा गया है, भोगात न राग शांति मुनिवत, सौभर ऋषि घनघोर वन में तपस्या करते थे। एक दिन नदी के किनारे स्नान करने आए, उन्होंने देखा कि मछली का एक जोड़ा अपने पूरे परिवार के साथ विहार कर रहा है जल में। उन्होंने सोचा कि मैं तो बचपन में ही तपस्या में लग गया, मुझे तो मालूम ही नहीं कि गृहस्थी जीवन का सुख क्या होता है, क्यों ना मैं भी एक करके देखूं कैसा लगता है। परिणाम स्वरूप सौभर ऋषि एक राजा की पुत्री से विवाह कर लेते हैं। करते करते वृद्धावस्था होती है, कई वर्ष बीत जाते हैं, पोते पोतियां पैदा हो जाते हैं, पुनः उनका विवेक जागृत होता है। अरे मैं क्या था, क्या बन गया? एक मछली के जोड़े की क्रीड़ा करते हुए देखकर मैं किस कीचड़ में फंस गया हूँ। तुरंत राजमहल छोड़ा और पुनः अपनी वन की कुटिया में आ गए। आप सोचिए, एक महान ऋषि जिसने जीवन में कभी सुख का अनुभव, विषय सुख का अनुभव नहीं किया था, मछली के जोड़े के लौकिक व्यवहार को देखकर उस आसक्ति में फंस जाता है और कई वर्षों तक भोग में आसक्त रहता है। जब विवेक जागृत होता है तब वो छोड़ता है। तो एक सामान्य व्यक्ति से आसक्त क्या की जाती है? जो गृहस्थ जीवन में रहता है, चारों तरफ सुखों का अंबार लगा है, आंखें खोलता है तो चारों ओर विषय सुख ही दिखते हैं, उनको छोड़कर वो कैसे निवृत्त हो जाए? राजी ने सुंदर साथ को इनसे हटने के लिए बहुत ही सरल तरीका बताया है, सारा मनोविज्ञान तारतम वाणी की इन एक दो चौपाइयों में दे दिया है, किंतु आवश्यकता है हमें उसको समझने की, क्योंकि धाम धनी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा है। वाणी कहती है, लाल डलिया लाहूत की जाकी असल चौथी आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करी सुबान। जिनकी महिमा स्वयं अक्षरातीत करते हैं यदि वो परम धाम की आत्माएं इस संसार में आकर
संसार के जीवों की तरह गलत व्यवहार करें, तो प्रश्न ये होता है कि यदि ब्रह्मुनि ऐसा करते हैं तो जीवों का आचरण कैसा होना चाहिए। जब हम अपनी आंखें खोल करके देखते हैं तो लगता है कि हम सुंदर साथ के बीच में कोई सुखदेव जैसा निर्विकार व्यक्ति दिखाई नहीं देता, बुद्ध जैसा तपस्वी दिखाई नहीं देता। परमहंसों में सारे गुण होते हैं, परमहंसों का प्रसंग छोड़ दीजिए, परमहंसों को छोड़ दिया जाए तो आज हमारे सुंदर साथ में शिष्टाचार की भी कमी है, मन को जीतने की प्रवृत्ति नहीं है। जिधर देखिए कहीं ना कहीं हमारे कपड़ों पर दाग लगा हुआ दिखाई देता है। आखिर इसका कारण क्या है? अभी मैंने आपको कहा था कि बुद्धि दो तरह से प्रभावित होती है, एक तो अहं के द्वारा और एक भोजन के द्वारा। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धता से बुद्धि की शुद्धता होती है, और सत्व शुद्धे ध्रुवा स्मृति। बुद्धि की शुद्धता से ही हमारी स्मृति ध्रुव होती है। स्मृति ध्रुव होने का तात्पर्य क्या है? आप अभी बहुत अच्छी चर्चा सुन रहे हैं या वाणी का कीर्तन सुन रहे हैं, कोई अच्छा भजन सुन रहे हैं, आपको लगता है कि संसार झूठा है, लेकिन जब आप विषयों के सामने आते हैं तो वो जो स्मृति होती है भूल गई होती है। जैसे आप भूल चुके हैं कि हम परम धाम के रहने वाले हैं, आप जीव भाव को प्राप्त हो चुके हैं, संसार का परिवार ही आपको अपना लगता है, पति पत्नी बेटे बेटियां भाई मित्र इनको ही आप अपना समझते हैं। राज्य के साथ तो औपचारिकता पूरी करते हैं क्योंकि आपकी स्मृति नहीं है। और स्मृति भ्रंश कब होता है? स्मृति कैसे भूलती है? तमोगुण के द्वारा। जब व्यक्ति तामसिक भोजन बहुत ज़्यादा कर ले, मांस शराब तो अल्प मात्रा में भी मनुष्य को विकृत कर देते हैं, यदि सात्विक भोजन भी सीमा से अधिक हो जाए, गरिष्ठ भोजन भी मात्रा से अधिक कर लेंगे तो क्या होगा? तमोगुण का प्रभाव होगा, और उस तमोगुण के प्रभाव के कारण बुद्धि की स्मृति कम होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज है, तमोगुण यदि भोजन पैदा करता है तो उस तमोगुण के प्रभाव से आपका चित्त प्रभावित होता है, और चित्त में तमोगुण के पुराने पाप के जो संस्कार हैं उदित होते हैं, और परिणाम क्या होता है? मन उसके अनुसार कार्य करने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि चित्त में वही कुछ होगा जो बुद्धि निर्देश करेगी। इसलिए बुद्धि को आहार से होने वाले दोष से बचाना आवश्यक होता है। दूसरा है अहं। हमारा व्यक्तित्व जैसा है, जैसे हम शाकाहारी हैं, हमारे मन में भाव ये आता है कि हम शाकाहारी हैं तो हमें मांस नहीं खाना चाहिए। हमने कभी नशा नहीं किया है, हमारे मन में ये भावना है कि नहीं मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे नशे का सेवन नहीं करना है, तो हम नशे से दूर हो जाएंगे। वैसे ही यदि उठते बैठते सोते जागते आपके मन में ये बात आए कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ, अक्षरातीत की अर्धांगनी हूँ, तो क्या ये संभव होगा कि आपसे पाप कर्म हो जाए? नहीं, केवल पढ़ने से ये बात नहीं होगी, संभव है आप 18,758 चौपाइयों को कंठस्थ कर लें, वेदक की सारी चौपाइयों को कंठस्थ कर लें, चारों वेद भी कंठस्थ कर लें, फिर भी संभव है कि आप विकारों की तरफ झुक सकते हैं। किंतु यदि आप एक अक्षर भी नहीं पढ़े हैं, आप युगल स्वरूप को हृदय में बसाते हैं, उनके प्रेम में डूबते हैं, तो संभव है आप विषयों से निवृत्त रहेंगे। क्योंकि ज्ञान सत्य को दर्शाता भर है, प्राप्त नहीं कराता। निर्विकार हृदय तभी हो सकता है जब निर्विकारता के अखंड स्वरूप को हृदय में बसाएं। परब्रह्म वाणी से परे है, यदि आप सागर श्रृंगार को रट लीजिए और चौपाइयों को धारा प्रवाह बोल दीजिए, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आपने राज्य को देखा है। किंतु यदि आपने राज्य को देखा है तो अंत चक्षुओं से देखकर पुनः आप वर्णन कर सकते हैं, यदि उनकी कृपा दृष्टि हुई तो। लेकिन चौपाइयों को याद करके व्याख्यान देने मात्र से यह दावा नहीं कि आपने राज्य को देखा है। इसी तरह से अनपढ़ व्यक्ति परमहंस हो सकता है यदि वो ध्यान करता है,
सौंदर्य के सागर को, प्रेम के सागर को, आनंद के सागर को, वहदत के सागर को, शांति के सागर को, जो जितना ध्यान करता जाएगा हृदय में वैसी ही निर्विकारिता आती जाएगी, प्रेम आता जाएगा, शांति आती जाएगी, आनंद आता जाएगा और उसका व्यक्तित्व खड़ा होगा, मैं परमधाम की परमात्मा हूँ, ये संसार के विषय मुझे मुँह में नहीं डाल सकते। किंतु एक विद्वान व्यक्ति केवल पढ़ता भर है, ध्यान नहीं करता, तो उसका हृदय विकारग्रस्त रहेगा। अब देखिए, रावण चारों वेदों का तो पंडित था, लेकिन उसमें ऋषि का एक भी गुण नहीं था। राम विद्वता की दृष्टि से रावण से पीछे हैं, लेकिन आचरण की दृष्टि से राम के सामने रावण कहीं नहीं ठहरता। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और रावण राक्षस राज कहलाता है। यदि हम सोचते हैं कि केवल वाणी पढ़ने मात्र से हमारे विकार दूर हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। हाँ, वाणी पढ़ने से यह होगा कि हमारे अंदर विवेक जागृति की प्रेरणा आएगी, ज्ञान सत्य राह दर्शाएगा। वाणी का ज्ञान ये कहेगा कि देखो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं, तुम परमधाम की ब्रह्मात्मा होने से ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे तुम्हारे दामन पर दाग लगे और संसार के विषय सुख तुमको अपने मोह जाल में बांधे जैसे जीवों को बांध रखे हैं। किंतु यदि आप केवल पठन मात्र ही करते हैं और आपकी भावना सात्विक नहीं है, रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित है, तो पढ़ी हुई बात उस समय भूल जाएगी जिस समय आपके सामने विषय प्रस्तुत रहेगा। मैं आपको पुनः ले चलता हूं भर्तृहरि के उस कथन की तरफ। आप सोचिए, पत्ते खाकर वाई पी करके रहने वाला विश्वामित्र एक मेनका के ऊपर कैसे आसक्त हो सकते हैं, क्योंकि उनकी स्मृति चल गई कि अपने आत्मस्वरूप का बोध उन्हें नहीं रहा। उन्होंने अपने शरीर को देखा कि मैं पुरुष हूं और उधर देखा कि ये स्वर्ग की अप्सरा है, मेनका शरीर नजर आया। यदि उन्हें आत्मदृष्टि होती अपनी चेतना में और मेनका की चेतना में, उनको भेद नहीं लगता, तो मेनका यदि उनके पास 24 घंटे या कई वर्षों तक भी रह जाती तो निर्विकार ही बने रहते। जहाँ आत्मदृष्टि हटी, आत्मा की स्मृति हटी, तो विषय हमें ग्रस लेते हैं। इसलिए हमें राज जी ने बहुत ही सरल रास्ता बताया है, उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, दम न छोड़े मासूक को जाकी असकल हक निस्बत। उठते बैठते सोते जागते केवल हमारे हृदय में प्रीतम का प्रेम बसा रहे, तभी तो कहा है, या तो खड़ी रहे रूह खिलवते, या तो देवी तवाफ हौज जोए या अर्श में, तू इनविद हो रहे साफ। मेरी आत्मा, तो मूल मिलावे में जा हर पल, अपने प्राणेश्वर के नख से सिख तक की छवि को देखती रहे, या तू परमधाम के 25 पक्षों में घूमती रहे कि सात घाट कैसी हैं, हौज को सिर के चारों घाटों की शोभा कैसी आई है, उसमें टापू महल कैसा है, टापू महल की आकाशी कैसी है, रंग महल की आकाशी कैसी है, पुखराज पहाड़ की शोभा क्या है, मानिक पहाड़ की शोभा क्या है, पूरे रंगमहल नवभूम दसवीं आकाशी की शोभा कैसी है, पश्चिम की चौगान से लेकर लाल चबूतरे से एक एक पक्ष में तू जा और वहाँ की शोभा में देख, अकेले नहीं अपने प्राणवल्लभ के साथ। यदि तू परमधाम के 25 पक्ष में विहार करेगी या युगल स्वरूप के नक से सिख तक की शोभा में विहार करेगी, तो विकार कहाँ से आएंगे? विकार तो तब होता है जब हमारी दृष्टि शरीर पर केंद्रित हो जाती है, हम आत्मा से जो संबंध जोड़ लेते हैं। आप सोचिए, एक भाई बहन पास बैठे हों, गले भी मिले हों, तुम्हें विकार क्यों नहीं पैदा होता? कारण क्या है? क्योंकि बहन के मन में भावना होती है कि मेरा भाई है, भाई के मन में लगता है कि ये बहन है, विकार का चिंतन ही नहीं होता। चिंतन ही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा है, कामस्य बीजा संकल्प संकल्पाते हो जाए थे। काम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? संकल्प से। विषय की उत्पत्ति होती है संकल्प से। सारा संसार इसी में फंसा पड़ा है, इंद्रियां विषय को देखती है। इसलिए वेद ने कहा है, चक्षु मुस्लिम कामम उलुकुलम, नेत्र
मुसल है और काम उखली है। आप स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं, जीवा बेचैन, मधुर ध्वनि सुनते हैं, कान बेचैन। एक एक इंद्रिय को आप बस में करना चाहते हैं, एक को बस में करने की कोशिश करते हैं, चार अनियंत्रित हो जाती हैं। और इनको अनियंत्रित कौन कर रहा है? क्योंकि मन भगा रहा है, बार बार विवश होकर मन के साथ बेचारे जीव को भागना पड़ रहा है। क्योंकि मन यदि लगाम को सही नहीं करता, मन रूपी लगाम सही दिशा में घोड़ों को नियंत्रित नहीं करती है, तो घोड़े तो भागेंगे। और मन रूपी लगाम को नियंत्रित कौन करेगा? बुद्धि। मैंने पहले ही कहा, बुद्धि को नियंत्रित करने के दो ही साधन हैं, अहं भाव जागृत होना, अहमेव जाग्या धाम का, परम धाम का अहं जागृत हो, परात्म की भावना हो। जब तक परात्म की भावना नहीं होगी, आत्म की भावना नहीं होगी, तब तक कितना भी हम पढ़े लिख लें, बार बार सोचे कि नहीं शराब नहीं पीनी है, मांस नहीं खाना है, ये बुरे कर्म है नहीं करना है, कुछ समय तक तो काम करते रहेगा, ये ज्ञान कुछ समय तक कार्य करेगा, लेकिन जब अवसर मिलेगा तब ये ज्ञान समाप्त हो जाएगा। कल्पना कीजिए, हम परिवार में रहते हैं, समाज के बीच में हमें डर लगता है कि मैं अमुक गलत कार्य करूंगा तो समाज हमें दंडित करेगा। भय के कारण स्मृति जगी रहती है। ऐसा हो जाए, एकांत वन में हो और पांचों इंद्रियों के पांचों विषय हमारे सम्मुख हो, कोई ना हो, तो हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे कौन देख रहा है। किंतु यदि वहां पर हमारी आत्मिक चेतना जागृत है तो सोचेंगे कि नहीं, सर्वशक्तिमान परमात्मा तो हमें देख रहा है। इस अवस्था में जब तक आत्मभावना नहीं होगी, हमारा अहं आत्म केंद्रित नहीं होगा, शरीर पर केंद्रित होते ही विषय का दानव हमें निगलने के लिए तैयार बैठा होता है। इसलिए राज्य बार बार सबके लिए सावचेत कर रहे हैं कि मेरी आत्मा, महामती जी के द्वारा कहा जा रहा है, तू या तो मूल मिलावे में युगल स्वरूप की शोभा को देख या 25 पक्षों की शोभा को देख, या हौज कौसर में क्रीड़ा कर या यमुना जी के साथ तो घाटों में क्रीड़ा कर, या रंग महल में तू इन भी धो रहे साफ, तू इस तरह से निर्मल होगी। पाक न हो इन पानी ये चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में तब हुई निर्मल। निर्मल होने का तरीका क्या है? नहाइए हक के जमाल में, हक के जमाल में नहाना, यानी जमाल कहते हैं सौंदर्य को, राज्य की शोभा में स्नान कीजिए तो आपकी आत्मा पवित्र होगी। मैं ये नहीं कहता कि पानी का उपयोग नहीं है, पानी एक सात्विक पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ में सत्व रजतम की मात्रा अधिक होती है, कम या अधिक मिली होती है। जल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सत्वगुण की मात्रा बहुत अधिक होती है। यदि आपके मन में कभी विकार आ रहा हो तो पानी पी लीजिए, तो हो सकता है रज और तम का प्रभाव दब जाए और जल आपको शांति दे सके, लेकिन केवल पानी से कुछ नहीं होगा। एक बात है, यदि आप कई दिनों तक स्नान न कीजिए तो तमोगुण की वृद्धि हो जाएगी। निद्रा से, भोजन से जो तमोगुण बढ़ेगा वो आपकी विकृत को, आपकी बुद्धि को विकृत करता रहेगा। इसलिए मनुष्यों ने नियम बनाया है कि प्रतिदिन स्नान करना, भोजन में पानी का प्रयोग करना, ताकि ये सत्वगुण की अवस्था बनी रहेगी तो हमारी स्मृति जागृत रहेगी। जो हमने पढ़ा है हमारे मना पटल पर अंकित रहेगा कि इन विषयों का सेवन नहीं करना है। तमोगुण के आते ही स्मृति जैसे ही लुप्त होगी, हम विषय की तरफ केंद्रित हो जाएंगे, हमारा शरीर भाव जागृत हो जाएगा, और शरीर भाव जागृत होते ही विषय का दानों हमें कहाँ छोड़ने वाला है। आत्म केंद्रित होने के लिए क्या आवश्यक है? परमहंसों की जब साधना प्रारंभ होती है कठोर स्तर की, तो आप देखते हैं उनका आहार अल्प हो जाता है। इसका कारण क्या? वे मन से भी संकल्प विषय का नहीं करना चाहते साधना की कठोरता की अवस्था में। वो चाहते हैं कि अंतर्दृष्टि से हम राज्य को तो देखते ही रहें, हमारे मन में विषय शब्द भी ना आए, संसारिक सुख भी नहीं आए, ताकि उससे निवृत्त होते होते भूल जाएं। और इसी को तो योग कहते हैं, योगा चित्तवृत्ति निरोधा।
चित्त की वृत्तियां संसार में जो फंसती हैं, तो जितना विषयों का सेवन करेंगे चित्त के संस्कार प्रबल होते जाएंगे। परब्रह्म का चिंतन करेंगे तो परब्रह्म के प्रेम रूपी अग्नि में विषय के संस्कार दग्ध होते जाएंगे। और एक ऐसा समय आएगा कि हम विषयों के ढेर के सामने भी रहेंगे, विषय मूर्तिमान रूप लेकर के भी हमारे सामने खड़े रहें तो हमारे ऊपर कभी प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी स्मृति में ये बात आ जाएगी। हमारा आत्मभाव, हमारा अहंग भाव परात्म को लेकर हो जाएगा, शरीर भाव को नहीं। जहाँ शरीर भाव है वहाँ विषय सुख हमारा पीछा अवश्य करेंगे। जैसे स्वादिष्ट भोजन है तो जीवा तो चाहेगी, मन चाहेगा कि ये स्वादिष्ट भोजन हम करें, क्योंकि अच्छे से अच्छे विद्वानों को देखा जाता है वो जीवा को नहीं जीत पाते, कोई नेत्र इंद्रिय को नहीं जीत पाता, कोई कर्ण इंद्रिय को नहीं जीत पाता। आप सोचिए रामकृष्ण परमहंस जैसा सिद्ध पुरुष यदि रसोई घर में बैठकर ये कहता है कि आज तुमने भोजन में क्या बनाया है, तो इसका अर्थ क्या है? एक इंद्रिय को उन्होंने छूट दे रखी थी कि आसक्ति बनाए रखना संसार में। वैसे ही अधिकतर महापुरुषों के साथ हो सकता है। आप हिमालय की गुफा में साधना कर रहे हो, अच्छी बात है, भयानक वन में साधना करते रहो, अच्छी बात है, लेकिन परब्रह्म से मिलन जब तक नहीं होता, और यदि मिलन भी हो जाए तो भी आप अहंग न रखिए कि मैंने सारी इंद्रियों को जीत लिया है। आप सब कुछ परब्रह्म की कृपा पर छोड़िए, क्योंकि ये माया चेति बलंती उपनिच्छे मूल धड़ी थकी, मुनिजन ने मना विहार शिव संकट ब्रह्मादिक न लहे पार। आप सोचिए सृष्टि के प्रारंभ से ये माया सब कुछ कहती आ रही है। परम धाम की ब्रह्मात्माओं को माया के विकारों से बचाने के लिए राज्य ने निर्मल होने का यही तरीका बताया है। पाक न हो ये इन पानीय चाहिए अर्श का जल, इस जल से जो पवित्रता होगी शरीर की पवित्रता होगी। हाँ, मन में भी थोड़ी पवित्रता आएगी, लेकिन अस्थाई पवित्रता नहीं आएगी। यदि अस्थाई पवित्रता होती तो आप देखिए मन की मछली, जल में मछली 24 घंटे रहती है फिर भी न तो उसकी दुर्गंध जाती है न उसके मनोविकार जाते हैं। मेंढक है, सर्प है, कछुए हैं, घड़ियाल है, ये मांसाहारी तामसिक प्राणी हैं सभी। सर्प भी तामसिक प्राणी है, मेंढक भी है, घड़ियाल भी है, इनसे आप आशा नहीं कर सकते कि इनमें ज्ञान वैराग्य पैदा हो जाए। तो केवल जल के सेवन मात्र से ये समझना है कि हमें परम तत्व मिल जाएगा उचित नहीं है। हाँ, जल का उचित प्रयोग आपको सहायक की भूमिका में हो सकता है, क्योंकि जल के उपयोग से सात्विकता बढ़ेगी। समय पर स्नान करेंगे, समय पर पानी का प्रयोग करेंगे, राशिक और तामसिक भोजन आप नहीं करेंगे तो परिणाम यह होगा कि आपका मन शांत होने लगेगा, भक्ति भाव पैदा होने लगेगा, आपकी चितवनी में रुचि बढ़ती जाएगी, यहाँ तक ये मंजिल है। किंतु दुर्भाग्य से हमारे समाज की स्थिति विचित्र है, हमें चितवनी की कक्षा नहीं बताई जाती, हमें चितवनी में बैठने के लिए नहीं कहा जाता है, और भोजन के साथ दे दिया जाता है। आप देखिए हमारे समाज के बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, सब्जी में कितनी लाल मिर्ची दिखाई देती है, गर्म गर्म मसाले खाते हैं, केवल कर्मकांड की औपचारिकता पूरी कर लेते हैं, माला का जप कर लिया, जोर जोर से सेवा पूजा कर ली, गा बजा लिया, परिक्रमा कर लिया, और सोचते हैं कि परमधाम दिख जाए कैसे दिखेगा। हम तो वो कार्य कर रहे हैं, इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वाणी कह रही है कि या तो खड़ी रहे रूह खिलौते या तो देवे तवाफ, ये तो सीधे आदेश है राज्य का कि मेरी आत्मा तू या तो मूल मिलावे में धनी की शोभा को देख या 25 पक्षों में घूम, हौज कोसर में घूम, यमुना जी में घूम, यमुना जी के सातों घाटों में घूम, या रंगमहल को देख तो तू निर्मल होगी। निस्तिन ग्रहिये प्रेम सुयुगल स्वरूप के चरण, हम प्रतिदिन इसको सेवा पूजा में इस चौपाई का हम उच्चारण करते हैं, प्रातः के स्वरूप में बोला जाता है कि निस्तिन ग्रहिये प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। प्रश्न यह है, हम अपनी अंतरात्मा से कभी पूछते भी हैं कि जब हम इस चौपाई को बोल रहे हैं तो सेवा पूजा खत्म हो गई, आधे घंटे बैठकर युगल स्वरूप के चरणों का ध्यान कर ले। निस्तिन ग्रहिये प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। इस युगल स्वरूप के चरणों का ध्यान करेंगे तो हम निर्मल होंगे, और तभी इनविध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना।
नरक किसको कहते हैं? वैदिक दर्शन ये मान्यता है कि चित्त की वासना जीव को पुनर्जन्म के लिए विवश करती है। यदि चित्त में लौकिक सुखों की वासना नहीं है, तृष्णा नहीं है, केवल प्रीतम का प्रेम है, तो यही प्रीतम का प्रेम हमें अखंड मुक्ति की तरफ ले जाएगा और हमारी आत्मा को प्रीतम से मिलाएगा। इसलिए हर मनीषी ने यही प्रयास किया है कि हमारा चित्त केवल प्रीतम में लगा रहे और वाणी बार बार यही पुकार करके कहती है कि इनविध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माँ। पच पच मरने का तात्पर्य यदि हमने भजन नहीं किया। भजन का अर्थ क्या? भजना। भजना कैसे? एक तो भजन वो होता है वाणी का भजन जो सुना करके किया जाता है। हम देखेंगे कि लोग आ रहे हैं तो जोर जोर से कहना शुरू करेंगे, राजसमाजी राजसमाजी, कोई चौपाई बोलने लगेंगे ताकि लोग मुझे भगत जी समझ लें। ये तो कर्मकांड की भक्ति है, दूसरों को दिखाना है प्रभाव बढ़ाने के लिए। इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो गले के ऊपर से बोली जा रही है। जो उपासना जिसको कहते हैं तरीकत, वो है एकांत में बैठकर हृदय से राज्य का नाम लेना और श्रद्धा भाव से उनसे प्रार्थना करना कि राज्य हमें अपने प्रेम में डुबोइए, ये है उपासना। ज्ञान का अर्थ होता है सत्य। हमें तारतम वाणी का प्रकाश मिल गया और हमने चितवनी में बैठना प्रारंभ कर दिया। हम राज्य की शोभा को देख रहे हैं। जो हमारा मन विश्व में भागता था, उस भागते हुए मन को हटाकर युगल स्वरूप की शोभा में हम केंद्रित कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि राज्य के नख से सिख तक की शोभा क्या है। और जब उस शोभा को देखते देखते हम स्वयं को भूलने लगते हैं तो अध्यात्म के क्षेत्र में हम ऊंचाइयों पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। यहीं से होती है निर्मलता की कहानी। राज्य की शोभा जैसे जैसे हमारे हृदय में आती जाएगी, वैसे वैसे माया के विकार जो हमारे हृदय में जन्म जन्मांतरों से लाखों करोड़ों जन्मों से पीछा कर रहे थे, वो सारे विकार दग्ध होते जाएंगे, हमारे बुरे संस्कार जलते जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि हमारा हृदय स्फटिक मणि की तरह पूर्णतया निर्मल हो जाएगा। आगे की चौपाई में यह बात वही कह रहे हैं। पाक पानी से ना होइए, ना कोई और उपाय, होए पाक मदद तौहीद की। पाक मदद तौहीद की। तौहीद किसको कहते हैं? एकत्व। हम कौन हैं शायद हम नहीं जानते, किंतु यदि तारतम वाणी के प्रकाश में हम जान गए कि हम परमधाम की ब्रह्मात्मा है, तो परमधाम की ब्रह्मात्मा को पांचों इंद्रियों के पीछे नहीं भागना है, उसको अपने प्राणेश्वर के पीछे भागना है। आप सोचिए हमारे लिए ब्रज की गोपियां कितनी चुनौती पेश करती हैं। सूरदास जी ने एक बहुत अच्छा भजन पद बनाया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां अगले दिन से उस मार्ग में बैठ जाती हैं। सवेरे से प्रतीक्षा करते करते शाम गुजर जाती है कि हमारा कन्हा आएगा, नहीं आते हैं कृष्ण, तो उलाहना देने लगती है मधुबन को। रे मधुबन, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के तुम ठाड़े क्यों न जरे। मधुबन, तेरी पत्तियां खिली हुई हैं, फूल खिल रहे हैं, तू तो हरा भरा क्यों दिख रहा है? हम अपने कान्हा के विरह में सूख कर कांटा हो गई, लेकिन तू हरा भरा क्यों है? गोपियों को यह सहन नहीं हो रहा है कि वृक्ष भी हरे भरे रहे, उनको लगता है कि सारा संसार कृष्ण के प्रेम में क्यों नहीं डूबा है? जब हम उनके विरह में सूख कर कांटे हो गई हैं, तो इस मधुबन को भी ऐसे ही सूख जाना चाहिए था। श्री कृष्ण दिख नहीं रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे दिल में है, फिर भी गोपियों को माया छू भी नहीं पाई है। ये परमधाम की ब्रह्मशिष्टों की बात नहीं चल रही है, प्रतिबिंब की गोपियों की बात चल रही है। उनको तो विषयों ने नहीं घेरा था।
और यदि हम सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते हैं, नख से सिख तक राजी श्यामा जी की शोभा को पढ़ते हैं, आंखें बंद करके चितवनी भी करते हैं, तो प्रश्न यह होता है कि गोपियों ने केवल 7 दिन ही कृष्ण के साथ गुजारा था, प्रतिबिंब की सखियों ने, वेद ऋचाओं ने। राजी तो अनादिकाल से हमारे साथ लीला ही करते आ रहे हैं और हम कहते भी हैं कि इन गुनेगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान राजी, हमारे प्राण की नली से निकट है, हमारे दिल में है, वाणी पढ़कर तो हम ये बातें बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं, लेकिन जब हमारे सामने विशेष सुख उपस्थित होते हैं तो हमारी स्मृति चली जाती है, क्योंकि ये सारी बातें हम बौद्धिक धरातल से कहते रहते हैं। चितवनी में बुद्धि का कार्य नहीं होता, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जब विरह की आंधी आती है तो बुद्धि समाप्त, मन समाप्त, केवल प्रेम भरा हृदय चलता है और आत्मा की दृष्टि खुल जाती है विरह के प्रकाश में, और परिणाम स्वरूप अंतर्दृष्टि अपने प्राणेश्वर युगल स्वरूप का दर्शन करती है। किंतु यदि सात्विक अवस्थाओं में भी हमारा विश्वास अटूट है, हम प्रतिदिन राजी से यह प्रार्थना करें कि मेरे प्राणेश्वर अक्षरती, मेरा प्रेम अखंड रूप से आपसे हो, मैं समर्पित आपके लिए रहूं, मुझे माया के विषयों से बचाए रखना, ये माया मेरा कुछ न करे, तो राजी आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इसलिए होय पाक मदद तौहीद की हके लिख भेज्या बनाए, राजी ने तौहीद कहते हैं अद्वैत को, पाक मदद तौहीद की भावना, एकत्व की भावना कि हम अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, जैसे इस दृष्टांत से समझिए, राष्ट्रपति की पत्नी चौराहे पर खड़े होकर कोई छोटा मोटा फल या कोई पकौड़े लेकर खाना तो नहीं प्रारंभ करेगी, वो सोचेगी कि यदि मैंने चौराहे पर खड़े होकर गाड़ी से उतरकर ठेले वाले से पकौड़े खरीदकर यदि मैं हाथ में लेकर खाने लगूंगी तो क्या होगा, सारी मीडिया में छप जाएगा और गरिमा किसकी कलंकित होगी, राष्ट्रपति की। यदि उसका विवाह राष्ट्रपति से नहीं हुआ होता तो उसको झिझक नहीं होती, वो चौराहे पर खड़े होकर पकौड़े लेकर खा सकती थी, लेकिन वो अपने को किससे जोड़ रही है, राष्ट्रपति के साथ। वैसे ही उठते बैठते सोते जागते यदि हमारे अंदर आत्मभाव रहेगा, शरीर भाव नहीं, जीव भाव नहीं, हम हर पल यह आभास करेंगे कि हमारे हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, मैं अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हूं। प्राणेश्वरी का अर्थ क्या होता है, हमारे बिना भी राज्य नहीं है, हम राज्य के बिना तो नहीं है ये सच है, लेकिन राज्य हमारे बिना भी नहीं है। यदि राज्य ने इतनी बड़ी शोभा दी है और उस अद्वैत भावना को हम सुरक्षित रहते हैं, स्मृति में हमेशा बनाए रखते हैं, तो परिणाम क्या होगा, माया के विकार हमसे कोसों दूर भाग जाएंगे, माया आएगी हमारे पास लेकिन वापस लौट जाए करेगी, क्योंकि हमारा चिंतन एकत्व भाव को लेकर रहेगा। हम राज्य से अपना संबंध जैसे ही तोड़ते हैं वैसे ही माया हमें दबोच लेती है। आत्मा दृष्टा है जीव के ऊपर, लेकिन बेचारा जीव ये तो लाखों जन्मों से विषयों का सेवन करते आ रहा है, थोड़ी देर वाणी पढ़ने से कहां से छोड़ देगा, थोड़ी देर चितवनी करने से कहां छोड़ देगा। हाँ, यदि सुंदर साथ चितवनी में डूब जाए, वाणी के ज्ञान के प्रकाश को भी ले ले, तो निश्चित है कि माया के विकार उससे छूट जाएंगे। आगे की चौपाई में राजी यही बात कह रहे हैं, फेर फेर हक अंग देखिए, इस चरण में क्या कह रहे हैं, बार बार राज्य के एक एक अंग की शोभा को देखिए, क्यों कहा जा रहा है, राज्य के जिस अंग को देखेंगे आपकी स्मृति में उस अंग की शोभा बसेगी, उस अंग को देखने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है, एक तो सागर श्रृंगार का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि आप जानते रहें कि नख से सिख तक महामती जी ने जो देखकर वर्णन किया है उनको जैसा दिखा है मुझे भी वैसा दिखना चाहिए, नयन रसीले अति भरे, कट कोमल अति पतली, सुंदर छाती गौर, मुख मेरे महबूब का रंग अतुचल गुलाल, ऐसी ऐसी छुपाइयों का भाव जब आपके मन में भरा रहेगा तो आप चिंतन में भी वही करेंगे, और जब
मान लीजिए आपकी अंतर्दृष्टि राज्य के मुख को देख रही है, भाव विवल आप देख रहे हैं, तो आपकी आत्मा की दृष्टि यदि खुल गई तो प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। यदि अंतर्दृष्टि नहीं भी खुली, जीव अंतर्मुखी होकर उस शोभा को ज्ञान दृष्टि से ही भले देख रहा हो, विरह के थोड़े से भाव में देख रहा हो, हृदय में तो चित्त में तो वो संस्कार बस गए कि राज्य का मुखारविंद ऐसा है। राज्य ने महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर श्रृंगार ग्रंथ में अपने अंग की शोभा की एक एक सूक्ष्म बातों का भी वर्णन किया है। जैसे होठ कैसे हैं, ऊपर के होठ के साथ नासिका को लेकर कैसी कमल की पंखुड़ी की शोभा आई है, नीचे के होठ के साथ ठुड्डी के साथ मिलकर पंखुड़ी की कैसी शोभा आई है, आंखों की भौहें कैसी हैं, लालिमा कैसी हैं, तारे कैसी हैं, गालों की शोभा कैसी आई है, गले की शोभा कैसी आई है, माथे की शोभा कैसी आई है। हमारी ज्ञान दृष्टि में भी जब ये भावनाएं भरी रहेंगी और विरह और प्रेम से भी उस अंग की शोभा को निहारेंगे तो हमारे इन अच्छे संस्कारों की प्रबलता इतनी आ जाएगी कि यदि हमारे सामने कोई भोग का आकर्षण दिखेगा भी या यदि हमारा मन उस बुरे विचार की तरफ जाना चाहेगा तो अंदर से धिक्कार आएगी, अरे क्या सोच रहे हो। जैसे आप जब चर्चा सत्संग में से आते हैं और आपके सामने आकर कोई व्यक्ति गलत शब्दों का प्रयोग करने लगे, किसी की निंदा करने लगे, तो आपको बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपका मन उस बुराई को ग्रहण करने के लिए भी तैयार नहीं हो पाया है। मन अचानक ही बुराई या अच्छाई को ग्रहण नहीं कर लेता। जब बुरे कीचड़ में फंस जाता है तो अच्छाई की तरफ जाने में इसको संकोच होता है, लेकिन जब अच्छाई में लग जाता है तो बुरी वस्तु को देखता है तो इसको घृणा आती है कि नहीं ये गंदी चीज है, मुझे इसके पास नहीं जाना। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसलिए राजी बार बार कह रहे हैं, फिर फेर हक अंग देखिए जो याद आवे निस्बत। निस्बत की याद कराने के लिए क्या है, चित्वनी। मैं प्रत्येक चर्चा में प्रवचन में किसी न किसी रूप में चित्वनी के ऊपर प्रकाश डालता हूँ। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जब तक समाज चित्वनी की तरफ नहीं डूबेगा तब तक हमारे समाज के क्या संसार में किसी का भी उद्धार नहीं होना है। और चित्वनी बौद्धिक चित्वनी नहीं, प्रेममयी चित्वनी, हमारी अंतर्दृष्टि को खोलने वाली। इसलिए हमारे समाज में जो चित्वनी की प्रक्रिया है वो भी सही तरीके से नहीं है, क्योंकि एक लंबा अरसा बीत गया है। अग्यारे जलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंग ठरे। 11वीं सदी के पश्चात 1748 में मार्फत सागर उतरता है, 1745 में 11वीं सदी पूरी हो जाती है। आप सोचिए 1791 में श्री जी के अंतर्ध्यान के पश्चात होता क्या है, ईश्वर शिष्ट का राज्य होता है, ज्ञान की प्रधानता हो गई, चितवनी किनारे हो गई। अग्यारही जोलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहीं अंग टरे। ठंडे पड़ते होने का तात्पर्य क्या है, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहीं अंग ठरे। ठरना उसको कहते हैं जब शीतलहर चलती है तो हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। लाल दाजी ने संकेतों में कह दिया कि चितवनी के लिए किसी के अंदर उल्लास नहीं रहा, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहीं अंग ठरे। कितनी पीड़ा से लालदास जी ने एक कलम चलाई होगी इन पंक्तियों पर कि अब तो सुंदर साथ में चितवनी की लौह ही नहीं रही होगी। अपनी आंखों से लालदास जी ने देखा होगा कि स्त्री जी के अंतर्ध्यान होते ही चितवनी की ज्योति बुझनी प्रारंभ हो गई और आज 300 वर्ष व्यतीत हो गए, केवल परमहंसों तक ये सीमित रह गई चितवनी। सुंदर साथ चितवनी में कैसे आए, इसका उत्तरदायित्व तो समाज के अग्रगण्य लोगों को है, धर्म उपदेशकों का है, धर्म प्रचारकों का है, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को है, जो अपनी अंतरात्मा से पूछें यदि समाज को आत्म जागृति की तरफ ले चलना है, संसार का कल्याण करना है तो भीतर की इस चुपाई को हृदयंगम करना होगा। आप देखो औरों को दिखाओ, ये निराशावाद का दानव हमें निगल रहा है। हमको कह दिया जाता है कि राज्य मिल ही नहीं सकते,
परमधाम दिख ही नहीं सकता। अरे माला का जप कर लो, भोग लगा लो, चरणामृत प्रसाद पा लो, पांचों पाई पढ़ लो, किस पीछे पड़े हो चितवनी के? ऐसे वाक्य समाज को रसातल मिले जाने वाले हैं। जो मनुष्य ऊंचे संकल्प नहीं कर सकता, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। यदि आप परमधाम की आत्मा है तो चितवनी आपका अनिवार्य कर्तव्य है। भोजन छूट जाए कोई बात नहीं, एक दिन नहीं भोजन करेंगे तो शरीर नहीं छूटेगा, लेकिन चितवनी नहीं छूटनी चाहिए। आप बीमार हैं, लेटे लेटे भी तो अपने प्राणेश्वर को हृदय में बसा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि चितवनी के लिए कपड़ा बिछाइए और अगरबत्ती जलाना बंद कर दीजिए। हो सकता है मेरी बात ये कठिन लगे, क्योंकि अगरबत्ती आप जलाते हैं उसका जो धुआं होता है केमिकल्स से निकलता है। आजकल की अगरबत्तियों में जो धुआं है वो भी शुद्ध पदार्थों का नहीं होता, वो धुआं आपको रोगग्रस्त कर सकता है। हृदय में प्रेम की ज्वाला जलाइए ज्ञान के प्रकाश में, और जैसे जैसे प्रीतम की छवि को आप देखते जाएंगे उनकी शोभा बढ़ती जाएगी, वैसे ही वैसे आपको अपने मूल संबंध की याद आती जाएगी। प्रीतम को कौन देखेगा, उसकी प्राणेश्वरी, उस प्रेमयी दृष्टि से देखने का अधिकार तो किसी को है ही नहीं। और बेचारी संसार के जीव क्या देखेंगे, संसार के जीवों को तो केवल मुक्ति चाहिए, और मुक्ति केवल राजसमा के जप से भी मिल सकती है। ये तो परमधाम के ब्रह्मसृष्टियों को चाहिए था कि विषयों की तरफ आंख उठाकर देखे भी नहीं, मन में उसके बारे में सोचे भी नहीं, अपना सारा समय केवल चितवनी में इस तरह से लगाएं, वाणी के चिंतन में लगाएं, वाणी के प्रकाश में लगाएं कि बुरे विचारों को हृदय में आने का अवसर ही ना मिले। एक बार महर्षि दयानंद से एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी क्या काम के विकार आपको सताते हैं? दयानंद जी ने कुछ समय सोचा और कहा कि नहीं, मुझे कभी मनोविकार ने परेशान नहीं किया है। उस महाशय को गुस्सा चढ़ गया, कहते हैं कि क्या आप हाड़मास के मनुष्य नहीं है जो आपके मन में बुरे विचार नहीं आते? दयानंद कहते हैं कि भाई मैं भी हाड़मास का मनुष्य ही हूं, लेकिन मेरे पास इसके लिए समय ही नहीं है। बुरे विचार आते हैं लेकिन मेरे पास आकर के थोड़ी दूर खड़े हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं, क्योंकि मेरा मन अपने लक्ष्य में लगा होता है, वेद चिंतन में लगता है, संसार के कल्याण में लगा रहता है, परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है। मैं उसको समय ही नहीं देता कि अंदर घुसे, इससे वापस जाना पड़ता है। इसलिए मनुष्यों ने एक बात कही है कि अपरिपक्व साधक को कभी एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके बुरे विचार उसको दबोच लें। लेकिन जो परिपक्व हो गया है, विषयों के भोग का चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। विषयों का त्याग कैसे करना है, जो साधना में परिपक्व हो चुका है, जो ध्यान में अग्रगणी हो चुका है, वो विषयों के त्याग के बारे में सोचे तो इसी में सबका कल्याण होता है। एक सूत्र याद रख लीजिए, भोगात न राग शांति मुनिमत। जिस तरह से सौभर्य मुनि को बहुत वर्षों तक भोग भोगने पर भी उनकी शांति नहीं हुई, तो हम अपनी आयु को, अपनी ऊर्जा को, अपने एक एक पल को क्यों नष्ट कर रहे हैं? इस जागने ब्रह्मांड का हर क्षण हमारे लिए कितना कीमती है शायद हम नहीं जानते। इसलिए क्या कहा है, है अनुभव तो एक अंग का जो हमेशा वैदत। यदि हम एक एक अंग का अनुभव कर लें, राज्य के मुखारविंद को देख रहे हैं, देखिए प्रेम की दृष्टि से देखिए, और यही प्रेम आपको राज्य का अपना बना देगा। हम राज्य के अपने तो नहीं बनते ना, हम किसी और के होते हैं संसार में, हम उसको अपना मानते हैं और हम उसके हो जाते हैं। हम पहले राज्य के बन जाएं तो देखिए राज्य हर पल आपकी उंगली पकड़कर आपके साथ रहेंगे। आप कहते हैं ना, मैं अधीन करनी नहीं बाह गृह की लाज, लेकिन बाह तो आपने पकड़ा ही नहीं, बाह तो आपने संसार को पकड़ा रखी है, फिर राज्य से क्यों कहते हैं? राज्य को तो केवल आप उलाहना देते हैं। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात
जो महामती जी की आत्मा स्वयं को संबोधित करते हुए कह रही है और सिखापन है सबके लिए। ताथे तू चेत रूह अर्श के ग्रहे अपने हक के अंग। कितने मीठे शब्द हैं। ताथे तू चेत रूह अर्श की, मेरी आत्मा यदि तू परम धाम की है तो तू सावधान हो जा। ग्रहे अपने हक के अंग, राज्य किसके हैं? आपके हैं। आप कौन हैं? अक्षरातीत की हृदयेश्वरी हैं। आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्राणेश्वरी का अर्थ क्या होता है? जीवन की आधार। हृदयेश्वरी का अर्थ क्या होता है? राज्य के हृदय की स्वामिनी। अक्षरातीत हमारे प्राणेश्वर हैं, हृदयेश्वर हैं, प्राणवल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, प्राण प्रीतम हैं, तभी तो हम उनको प्राणनाथ कहते हैं। हमारी आत्मा भी तो उनकी हृदयेश्वरी है, प्राणेश्वरी है। आप अपने को असहाय अवस्था में क्यों देख रहे हैं? इस मानव तन में पाकर स्वयं को आप विषयों के ढेर पर क्यों बैठा देते हैं कि पता नहीं राज्य सुनेंगे कि नहीं? अरे यह तो सोचिए, राज्य ने आपको प्रीतम के प्राण कहा है, प्राणेश्वरी कहा है। आपको मेरे शब्दों पर आपत्ति हो सकती है कि कहाँ लिखा है प्राणेश्वरी? आप कलश हिंदुस्तानी के उन चौपाइयों को पलटिए जिसमें स्वयं राज्य कहते हैं, प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्मनूर, मन कल्पे खिल देखते सो ये दुख करो सब दूर। तुम मेरे प्राणों के प्रीतम है। जो प्राणों का प्रीतम है वो प्राणेश्वरी कहलाएगा। जो हृदय की स्वामिनी है, रूह का अर्थ क्या होता है? जिसके बिना अस्तित्व ही ना हो। हमारे हृदय की जो स्वामिनी है वही तो हृदयेश्वरी है, और अक्षरातीत की हृदय की स्वामिनी है परमधाम की आत्माएं, श्यामा जी। इसलिए तो कहा जाता है कि मूल संबंध को यदि हम याद करेंगे तो हमसे कोई पाप नहीं होगा। ताथे तू चेत रूह अर्श की ग्रहे अपने हक के अंग, रहो रात दिन सोहबत में हक खिलवत सेवा संग। अभी तो आप जो सेवा पूजा कर रहे हैं इस माया के संसार में कर रहे हैं, राज्य की वाणी को राज्य का ज्ञान में स्वरूप मानकर आप उसी भाव से अवश्य करते हैं, किंतु कहीं ना कहीं इसमें बहिर्मुखता आती है। आप अंतर्मुखी होकर चित्वनी में अपने को जोड़िए, अपनी आत्मा का संबंध उस मूल स्वरूप से जोड़िए, शरीर के पर्दे से ऊपर हो जाइए, जीव भाव को छोड़िए, आत्मभाव में आइए, प्रीतम के प्राणेश्वरी बनकर, प्रीतम की प्राणेश्वरी बनकर स्वयं को उनके प्रेम में डुबो दीजिए, उन्हें अपना प्राणवल्लभ मानिए, प्राणेश्वर मानिए, हृदयेश्वर मानिए। आपके हृदय के स्वामी वो हैं, इसलिए आपको कुछ भी विषय सुख लेने का अधिकार नहीं। यदि आप इस अधिकार को समझेंगे, जैसे पतिव्रता को याद रहता है यह तथ्य कि मुझे अपने हृदय का प्रेम अपने पति के अतिरिक्त किसी को नहीं देना है, उसी तरह से एक परमधाम की ब्रह्मात्मा सोच ले कि मेरे और धनी के बीच में संसार के विषय सुख नहीं आने चाहिए, चाहे वो पुरुष का तन हो, चाहे किसी स्त्री का तन हो, युवक का तन हो या स्त्री का तन हो, तो राजी हल पर उसके साथ हैं और बहुत सरलता से विषयों से निवृत्ति हो सकती है और हमारा समाज अध्यात्म के शिखर पर पहुंच सकता है, सारे संसार का मार्गदर्शक बन सकता है। आज संसार में देखिए कितने पाप का तांडव हो रहा है, करोड़ों पशुओं को प्रतिदिन मारा जाता है, किसके लिए? केवल जीवा की तृप्ति के लिए। न जाने कितने टन शराब पी जाती होगी, क्या क्या चल रहा है। नैतिकता नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी, मनुष्य मनुष्य का खून करता है। हमें तो इस पृथ्वी पर जिस पर अक्षरातीत के चरण कमल पड़े हैं, इस पृथ्वी पर परमधाम की वाणी फैलाकर, चितवनी फैलाकर सबको परमधाम की राह दिखाना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते रहे? हम तो केवल घंटी घड़ियाल बजाते रहे मंदिरों में, नाचते कूदते रहे। ना हमने वाणी के चिंतन को प्राथमिकता दी, ना वाणी के ज्ञान को फैलाने के लिए हमने वाणी के ध्वजवाहक तैयार किए, और न भविष्य में करना चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं कि वाणी फैले, हम चाहते ही नहीं कि चितवनी करें और दूसरों को प्रेरित करें। इसलिए हमारी सारी ऊर्जा मंदिरों पर लगी हुई है, सुंदर से सुंदर मंदिर बनाना, सारा धन उसी में खर्च कर देते हैं। शिक्षा और साहित्य के लिए कहते हैं कि क्या करें, पैसा ही नहीं है, तो करोड़ों करोड़ों के मंदिर क्यों बना रहे हैं?
इन मंदिरों से क्या होगा? यदि आप किसी को चितवनी नहीं सिखाएंगे, यदि आप किसी को वाणी की ज्ञान का प्रकाश ही नहीं होने देंगे, तो मंदिरों के केवल घंटी घड़ियाल से कुछ नहीं होना है। इसलिए समाज को शिक्षा चाहिए, समाज को परमधाम की अनुभूति चाहिए, आत्मा के प्राणेश्वर का दीदार चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, हम अध्यात्म के लक्ष्य से भटकते ही जाएंगे। न हम अपना कर्तव्य समझ पा रहे हैं, न संसार को मार्ग दिखा पा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे कठोर शब्दों को आप अन्यथा ना लेंगे। यदि आप इसको आत्मसात कर सकें और दूसरों तक पहुँचा सकें, तो मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा होगी और सुंदर सात की भी सेवा होगी। प्रणाम जी।